my money right. Yeah, I'm looking at the bank, same as I do not want to tell. Yeah, nuts with my gang. Give me just a stand. हेलो गाइस, की हालत वाडा। अरे हिरचू यार, ये न्यू वीडियो देखी है तो? कौन सी यार? ये यार ढिंचक पूजा का न्यू सॉन्ग आया। अरे छोड़ यार, इसका कौन देखते है? मतलब हम लोग सारी रात जाग जाग के स्क्रिप्ट्स लिख लिख कर अपनी स्टेशनरी का खर्चा बढ़ा रहे हैं और इस मैडम की 2 मिनट से भी कम की वीडियो में 2.2 मिलियन व्यूज। मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दे, मैं इस दुनिया से छुट्टी चाहता हूँ। एक तो ये वायरस इतना डेंजरस, ऊपर से मैडम का गाना अखीर हो गया यार। खैर अब गाना आ ही गया तो देखते हैं भाई कि मैडम ने बनाया क्या है। सॉन्ग की शुरुआत में डिस्क्लेमर मैडम ने डाल दिया, भाई वाह। तो पहले जरा डिस्क्लेमर पढ़ लेती हैं। शुक्र है कि मैडम जी ने क्लियर कर दिया कि ये वायरस सुनने के बाद मुझे एक मेंटल हॉस्पिटल की जरूरत पड़ेगी। यानी कि मैडम को इस बात पे यकीन है कि ऐसा वाहियात गाना और कोई नहीं बना सकता सिवाय ताहिर शाह के। Mankind so, dearest creation, by God. इस बात से तो मैं बिल्कुल एग्री नहीं करती। ये गाना सुनने के बाद तमाम कव्वों ने मिलकर स्ट्राइक कॉल दिए कि हमसे बेसुर आखिर कौन है, इसमें हर्ट कौन हुआ है भाई कि तूने ये वाली लाइन 20 मिनट लगा दी है। एक मिनट, ये मैडम ने हमें तो नहीं एनिमल कैरी के एंड पे जो मुक्का मारा था कि वो हमें तो नहीं मारा। अबे साले। खैर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लाइन में मैडम ने कोरोना वायरस से बचने के लिए हमें टिप्स ट्रिक्स एंड ट्यूटोरियल दिए हैं। मैडम पहले तो ये बताओ कि इतनी इंग्लिश आपको सिखाई किसने, मैं उससे मिलना चाहती हूँ। बाकी रह गई बात टिप्स ट्रिक्स एंड ट्यूटोरियल की, तो भाई मैडम ये भी बता दो कि इस कैंसर ज्यादा गाने को सुनने के बाद हमें कौन से टिप्स यूज करके अपने आप को ठीक करना पड़ेगा। नेक्स्ट सीन में आप देख सकते हैं कि ढिंचक पूजा अपने बापू से कैश लेके बेड किराए पे लेकर रह रही है, जहाँ उसका बॉयफ्रेंड आता है। बाकी छोड़ो यार, पहले बॉयफ्रेंड को देखते हैं। भाई साहब ने पिंडी चोर बाजार से 50 रुपए वाला रेबन लगाया हुआ है और हाथों में बंगाली बाबा के ऊपर चादर डालने के बाद जो इसने उनके हाथ से अंगूठियां चुराई थी ना, वो पहनी हुई है, जिनसे उसने ढिंचक पूजा को पटाया है। आपस की बात है कि यार इसका भी बॉयफ्रेंड है, वो कुछ तो शर्म कर लो तुम लोग। यार इसका बॉयफ्रेंड आया किधर से, इससे अच्छा बंदा सिंगल ही मर जाए। अब इस क्लिप में ढिंचक पूजा उसको पूछती है, यानी कि पहले कंफर्म कर रही है कि मेरे बाबू ने थाना खाया। मेरे बाबू ने थाना खाया, मेरे बाबू ने थाना खाया, मेरे बाबू ने थाना खाया। मतलब मुझे लगता था कि शायद ये बंदी इस वायरस से बची हुई है तोतलेपन से, लेकिन नहीं। और अगर उसके बाबू ने खाना नहीं खाया तो भाई पहली फुर्सत में निकल। फिर उसका बाबू अपनी पूरी ताकत अपने अंदर से पूरे फेफड़े निकाल के बाहर खांसता है, जिसकी वजह से ढिंचक पूजा उसको बाहर निकाल देती है। नहीं मतलब निकालने का मकसद क्या है, खांसा तो उसने अपने मुंह पर ही है ना, क्योंकि मास्क पहना है भाई साहब ने। सॉन्ग का नेम हमें तो ऐसे बता रही जैसे हमें तो पता ही नहीं है, जैसे टाइटल से तो हमें पता चल ही नहीं रहा कि गाने का नाम क्या है। लिरिक्स पे बाद में करते हैं, लेकिन ये बैकग्राउंड में डांसर्स की बात कर लेते हैं पहले। पीछे मास्क के पीछे जो बंदियां है ना, वो इसके पिछले गाने में भी आई थी, जिन पर टिकॉक के सब ने इतना रोस्ट किया कि अब वो शर्मा ही गई हैं। अब उन्होंने कहा कि अब हम मास्क पहनकर सामने आएंगे। अब आप लोग कह रहे होंगे कोरोना है ना पागल, तो मास्क पहना हुआ है सबने। तो भाई इस बेलचे के मुंह वाली ने मास्क क्यों नहीं पहना? नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। इन लोगों को ढिंचक पूजा ने अपने बापू से कैश लेकर स्कूटर की राइड दिलवा कर अपने गाने में लेकर आई है, लेकिन यार कोई डांस की सेंस तो बना लो। कोई कुछ एक्शन बना रहा है, कोई कुछ एक्शन बना रहा है, किसी को पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। और ये भाई साहब इतने अजीब और गंदे बेहोदा किस्म के इशारे करते हुए नजर आ रहे हैं। पीछे छोटी बच्चियां तो यार सबसे फिट है, मतलब इन्वॉल्व ही नहीं हो रही ना गाने में, उन्हें पता ही नहीं हो क्या रहा है। उनको इस ढिंचक पूजा ने 5 रुपए की चॉकलेट के भरोसे वहां खड़ा कर दिया। लेफ्ट साइड वाली मैडम को कोई पता ही नहीं है कि भाई वो कर क्या रही है, वो तो यही समझ रही होगी ओह माय गॉड मैं म्यूजिक वीडियो में आऊंगी, आई एम फेमस। लेकिन उसको क्या पता कि वो किस कैंसर ज्यादा गाने में परफॉर्म कर रही है, कि दुनिया में और तो कोई गम ही नहीं है ना कि इसी के गाने देखते रहे हम लोग। और तो और ये बीच वाली दोनों महिलाएं जिनको घर में दूसरे टाइम कोई सालन नहीं देता, वो यहाँ पर खड़े होके हम लोगों को कोरोना वायरस के बारे में बता रही है। राइट साइड वाली मैडम का तो गाने से या डांस से कोई कंसर्न ही नहीं है ना, वो बस चरस पी के जहाज बनी हुई है। जल्दी से सोना, टाइम न खोना। अबे यार
यार जल्दी सोने से कोरोना का क्या ताल्लुक है भाई? ढिंचक पूजा एक ऐसी डॉक्टर है जिसका बस चले ये किसी को सोने ही ना दे। ऊपर से इस बेचारी मासूम नाजुक सी बच्ची को बिना किसी वजह के कोरोना का टीका घुसेड़ दिया। अरे पागल वागल तो नहीं होगी बहन? ऐसे कौन करता है यार? मेरा वीडियो आएगा, मैं दोस्तों में पू बनूंगी, मैं बड़ी होकर मशहूर होंगी। अरे अरे दीदी ये क्या कर रही हो? दीदी क्या टीका कहाँ लगा रही हो? इंतकाल। बच्चे को बुखार हो ना हो लेकिन मुंह में थर्मोमीटर की जगह बॉल पॉइंट डाल के चेक कर रही है। तो यार आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो। मैंने इस बंदी की इतनी शक्ल देखी है ना कि भाई मुझे तो हर जगह यही नजर आ रही है। और यार कमेंट करो कि मेरी अगली वीडियो किस टॉपिक पर होनी चाहिए। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया हुआ तो वहाँ पर भी जाके फॉलो करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, अपने घर वालों का भी ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।